नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। कांग्रेस ने लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने का ऐलान करते हुए बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा खरीद फिरोद की राजनीति को ठुकराते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की तारीख 20 मार्च को की गई थी। कांग्रेसियों द्वारा लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन जिला मुख्यालय में तिरंगा यात्रा का आयोजन, संविधान की प्रस्तावना का वाचन एवं वितरण, गांधी जी एवं अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा और सभी कांग्रेस कार्यालयों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के वीडियो संदेश का प्रदर्शन प्रसारण किया जाएगा। हुई हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्वाचित उपाध्यक्ष तिवारी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उपते जी को हम लोगों ने तो बधाई दी और साथ साथ आपके साथ जो पहली पत्रकार वार्ता की उसका मुख्य उद्देश्य था कि जनतंत्र बचाओ, और इसके साथ साथ जो काला दिवस के रूप में इसलिए कि कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को इन लोगों ने गलत तरीके से पैसों के दम पे खरीद फरोख करके हमारी सरकार गिराई और अपनी सरकार को बनाया और जनता के हित को और खास करके छिंदवाड़ा जिले के हित को पूरा चौपट कर दिया है। इसको लेकर हम लोग 20 तारीख को एक धरना प्रदर्शन के साथ साथ काला दिवस मना रहे हैं कि जनतंत्र बचाओ और साथ साथ ये विरोधियों को, भ्रष्ट लोगों को जनता वास्तविकता का जवाब दे, यही अनुरोध किया और सब आप सबसे सहयोग चाहेंगे कि आप उसको सफल करने में सहयोग करें, जो सच्चाई है वो जनता के सामने लाएं। लोकतंत्र सम्मान दिवस उसमें मना रहे हैं, उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज एक पत्रकार वार्ता रखी थी। निश्चित ही लोकतंत्र सम्मान दिवस हमारे नेता कमलनाथ जी ने लोकतंत्र के सम्मान के लिए, संविधान के सम्मान के लिए जो इस्तीफा दिया था, निश्चित ही वह एक हमारे लिए एक भली छिंदवाड़ा के लिए और मध्य प्रदेश काला दिन था, लेकिन उस लोकतंत्र के सम्मान के लिए इस्तीफा दिया। इसलिए मैं आप सब पत्रकार भाइयों से कहना चाहूँगा कि कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र का सम्मान करते आई है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र की हत्या करती हुई आई है। तो हमने 20 तारीख को एक लोकतंत्र सम्मान दिवस और तिरंगा यात्रा निकाली है। यह हमारी तिरंगा यात्रा कांग्रेस भवन से प्रारंभ होकर गांधी प्रतिमा भवारा चौक में जाकर वहाँ माल्यार्पण होगी। इंदिरा दिहरा के पास हम फिर इंदिरा जी का माल्यार्पण करने के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी और अम्बेडकर चौक में हम लोग उसका समापन करेंगे। मैं आप सब पत्रकार भाइयों से चाहूँगा, प्रिंट मीडिया के साथियों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से चाहूँगा कि आप इसको परसों के कार्यक्रम के लिए अच्छा कवरेज दें और इस बात को जन जन तक पहुँचाएँ कि यह मध्य प्रदेश का, छिंदवाड़ा का और पूरे देश के लोकतंत्र जो हत्या की गई है, हम उसको एक सम्मान दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कारनामों को ठीक करे, अन्यथा जनता उन्हें ठीक करने के लिए समय का इंतजार कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे 20 तारीख को जिला कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और जो एक साल से माननीय कमलनाथ जी की सरकार को हटाया गया, जो धोखे से धोखा देके जो हटाई गई ये सरकार, आज ये देख रहे हैं कि एक साल में कितना आज हमारे किसान भाइयों का, अपने ज़िले का कितना नुकसान हुआ है। और किसानों के मामले में कर्ज माफ़ी जो कमलनाथ जी कर रहे थे, आज भी शिवराज की सरकार ने एक साल के अंदर उस कर्ज माफ़ी के बारे में एक शब्द नहीं कहा है। भी कर्ज माफ़ी को उन्होंने ठुकरा दिया है और किसानों के साथ जो बजट में उसको कोई प्रावधान नहीं किया गया, छिंदवाड़ा ज़िले के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है और लगातार जो है मध्य प्रदेश का विकास पीछे हो रहा है। और आज भी जो शिवराज सरकार है उसने निर्णय किया, वो 3,000 करोड़ का कर्ज फिर लेने जा रहे हैं, यानी लगभग अभी 24,000 ले चुके हैं, लगभग 40 करोड़ प्रति साल में 24,000 करोड़, 40 करोड़ प्रतिदिन के हिसाब से लगभग ये कर्ज ले रहे हैं और कर्ज लेके और उसका भ्रष्टाचार में उपयोग किया जा रहा है। ये आज इनकी सरकार है, इसके विरोध में 20 तारीख को जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से राजीव भवन से जो है हम लोग तिरंगा यात्रा, सम्मान यात्रा निकालने जा रहे हैं।